सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एलएल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ द जयपुर डायलॉग्स। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सर को संजय सर हैं, इनको संजय दीक्षित जी हैं, इनको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को आगे बढ़ाइए। और क्योंकि ये भी बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में फुल सपोर्ट करते हैं इंडिया के, और इनके बड़े अच्छे विचार होते हैं। तो जो इनकी वीडियो मैं लेके आया हूँ वो वीडियो का इन्होंने टाइटल दिया हुआ है, गौरव आर्या इज द रीजन फॉर कलैप्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाक मीडिया द जयपुर डायलॉग्स। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके चेकआउट जरूर कीजिए, देखिए सर का चैनल कैसा है। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदुस्तान भाइयों का हमेशा साथ दीजिए, हम हिंदुस्तानी भाइयों को आपकी हिंदुस्तान भाइयों की जरूरत है। चलिए वीडियो देखते हैं कि इस वीडियो में मेजर गौरवारिया सर से अपने दीक्षित भाई सर ने कैसे क्या बातें की है। तो वीडियो के बीच बीच में तबसरा तो शायद मैं ना करूं, अगर मैं करूंगा तो फुल वीडियो देखना क्योंकि आपको मजा आने वाला है और आपको पता चलेगा कि क्या मेजर गौरवारिया सर ने कैसे ये कोलैप्स का कारण बने हैं। मेरे को तो पता है कि कोलैप्स का कारण नहीं है, बस उनको शिक्षा ऐसी दे दी के वो खुद ही पागल हो गए हैं, उलझ के रह गए हैं। चलिए लंबी ना बात करते हुए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो के बीच में हो सकता है मैं तबसरा करूं, तो मेरा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है फुल वीडियो देखना और एंड में तो मैं इस पर थोड़ा सा अपने विचार प्रकट करूंगा करूंगा। सो वीडियो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम कुछ सवाल जवाब करने जा रहे हैं, तीखे सवाल जवाब मेजर गौरव आर्य से। मेजर साहब आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है कि जो हमारे अफगानी जो हैं, जो इस वक्त पूरा का पूरा कीमा बनाए दे रहे हैं सर, पाकिस्तानी आर्मी वालों का, कभी चार इधर मारे, कभी दो उधर मारे, कभी पुलिस वालों को उड़ा दिया, कभी कमांडोज को उड़ा दिया, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब पहले तो महीने में एक दो वारदातें होती थी, तो रोज हो रही। तो कम से कम जो हिम्मत है और जो लड़ाई की जो शिद्दत है उसमें तो ये अफगानी जो है, ये पश्तून और बलोच, ये इन पंजाबियों पर भारी पड़ रहे हैं, ये पंजाबी आर्मी थे सर। ऐसा है कि ये जो पंजाबी आर्मी है ना सर, पाकिस्तान के ये लड़ने वाले लोग थोड़ा ना है सर, तो अय्याशी करने वाले लोग हैं। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इवन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सर, आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान छोड़िए सर, लेट्स फॉरगेट अबाउट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फॉर अ मिनट, गो प्री इंडिपेंडेंस। जो इफ यू टॉक अबाउट द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, अगर सिर्फ आप मुसलमानों की बात करें, जिस एरिया को हम आज पाकिस्तान कहते हैं, 14 अगस्त से पहले तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन जिस एरिया को हम आज पाकिस्तान कहते हैं वहां से सर, वहां से जो शहादतें दी थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, तो बलोचों ने दी थी, वो तो पश्तूनों ने दी थी सर। पंजाबी मुसलमान ने थोड़ा, पंजाबी मुसलमान ने तो मालपुआ खाया है। पंजाबी मुस्लिम्स वेर ऑलवेज द फोर्स ऑफ ऑपरेशन, उनको इस्तेमाल करके सर बलोचों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उनके खिलाफ पहले भी पश्तूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। पंजाबी मुस्लिम्स, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल सर, आई एम विद, मेरा एक स्पेसिफिक नैरो कॉन्टेक्स्ट है फ्रीडम स्ट्रगल का, हुए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा कि उसमें फ्रीडम फाइटर नहीं हुए, लेकिन बहुत कम थे। दे वर बेनिफिशरीज ऑफ द ब्रिटिश राज, उन्होंने बहुत पंजाबी मुसलमानों में सर बहुत नोट कमाए और खुद अपने मुसलमान बलोच भाइयों और पश्तून भाइयों को मारा है सर। ये पहले का सिलसिला है, ये बलोच के साथ मारकाट आज से थोड़ा ना चल रही है। और मैंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इनको बताई, तो इनको बड़ा, फिर ये कहते हैं हाँ बात तो ठीक है आपकी, मैंने बोला बात मेजर की ठीक ही होती है, अब ध्यान से सुनो। तो मैंने उनको क्या बताया, जो आपने बोला ना कि टीटीपी वाले मार रहे हैं उनको और बलोच मार रहे हैं, तो कह रहे हैं कि साहब ये, मैंने बोला यार यही तो लोग थे जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने आए थे, इनके बाप दादा द इन्वेडर्स ऑलवेज केम फ्रॉम द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट, वो यहाँ पे आते थे, मारते थे, लूटते थे, काटते थे, आपने उनको हीरो बनाया, आपने अपने मिसाइल के नाम रखे गौरी गजनवी, आपको बहुत अच्छा लगा, अब वही गौरी गजनवी की औलादें आपको ठोकाली, आपको अब्दाली भी, अब इनको उन्हीं की औलादें सर। ये कौन है, ये सेंट्रल एशिया और उसके नीचे आ जाइए अफगानिस्तान, ऊपर सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये तो यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट बाद में आया सर, पहले तो ये मंगोलिया शंगोलिया ये पूरे ऊपर वाले, ये मुगल कौन थे सर, ओरिजिनली तो उज़्बेकिस्तान से आए थे सर ये लोग, ये पूरा एरिया जो सेंट्रल एशिया का, ये तुर्किस्तान कहलाता था। करेक्ट सर, करेक्ट सर। और इसी तुर्किस्तान से एक ब्रांच इंडिया आई और एक ब्रांच जो है वो एनाटोलिया गई, राइट। वो जो एनाटोलिया जो है वो जो तुर्की कहलाता है वो ओरिजिनल तुर्क नहीं है, सब तुर्किस्तान से गए हुए लोग हैं। यस सर। और अभी आप देखिए ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, वो वीगर वाले इलाके को भी बोलते हैं शिंजियान को, तो वो जो एरिया है वो ईस्ट तुर्किस्तान है वो, करेक्ट, बिल्कुल सर, यू राइट। तो सर ये पूरा जो एरिया है ये सब अब्दाली, अब्दाली कहां से आए सर, ये जो भी इन्वेडर आए, दे ऑल केम थ्रू अफगानिस्तान एंड दे ऑल केम थ्रू पंजाब,
तो मेरी कहने की बात है कि वो तो अपना खानदानी धंधा कर रहे हैं, वो तो आएंगे पीटेंगे वापस जाएंगे, वो तो सर हजारों साल से यही तो काम कर रहे हैं वो लोग, पहाड़ों से नीचे आते हैं ठोक के चले जाते हैं। अच्छा उस जमाने में पाकिस्तान नहीं था, उस जमाने में ये तो यूनाइटेड इंडिया था, तो वो लोग इन्वेडर बाहर से आते थे, अब पाकिस्तान बन गया, हमारे लिए अच्छा है पाकिस्तान बन गया, बीच में बफर है, और डेली मार खा रहे हैं सर, डेली मार खा रहे हैं उनसे। आपको क्या लगता है कि ये वाकई जो ये कह रहे हैं, हमारे तो कई लोग चिंता में पड़ गए हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब कि वो जो इस्लामाबाद के बाहर तक का एरिया जो है वो पश्तून क्लेम कर रहे हैं, ड्यूरंट लाइन तो वो वैसे भी नहीं मानते, नहीं सर, और ड्यूरंट लाइन नहीं मानने के साथ साथ जो है वो अब पाकिस्तान के ऊपर जो चीन का थोड़ा बहुत हाथ था तो उन्होंने चीनियों के ऊपर भी हमले शुरू कर दिए, काबुल में ही हमले शुरू कर दिए, पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर हमले शुरू कर दिए। तो ये जो ग्रैंड स्ट्रेटजी थी और जो 15 अगस्त 2021 को इस सारे के सारे पाकिस्तानी जो थे वो बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ ट्विटर पे कह रहे थे हाँ भाई अब वेस्ट तो हमारा सिक्योर हो गया, अब ईस्ट की बारी है, कहाँ है वो सब। सर ऐसा है कि मुझे लगता है इनकी फौज भी थोड़ा सा सर इनकॉम्पिटेंट टाइप की है, मुझे लगता है कि टैक्टिक्स पाकिस्तानियों की अच्छी होती है, स्ट्रेटजी खराब होती है सर, वो लॉन्ग टर्म विजन सोचना। इमरान खान ने तो एड्रेस टू द नेशन कर दिया था सर, खुशी के मारे वो उसका भूला नहीं समाया कि जहनी आज़ादी हो गई और ये आज़ाद हो गया अफगानिस्तान और आजाद हो गया। देवर सीकिंग स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनसाइड अफगानिस्तान, अब पता ये लग रहा है कि तालिबान हैज गॉट स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनसाइड पाकिस्तान, उल्टी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो। एग्जैक्टली सर आप देखिए ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या है, इट इज जस्ट वन ऑफ द आर्म्ड विंग्स ऑफ द अफगान तालिबान, दैट्स इट सर। उन्होंने बैत कर रखी है सर, दे हैव सोन एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बैत है, दे हैव सोन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द अफगान तालिबान, वो अखुनजादा जो भी है उनका जो हेड है अफगान तालिबान का, तो दे आर वेरी क्लोज और वो मार रहे हैं इनको सर, मार रहे हैं। और आपने जो बात करी ना कि ये इस्लामाबाद तक ये सब अटक तक तो एरिया देख ले, वो उन्होंने मैप जारी कर दिया है, उन्होंने देखिए पाकिस्तानी इस चक्कर में हैं कि हम इनके लिए भीख मांगेंगे, हो सकता है हमें कुछ मिल जाए, इसीलिए तो पाकिस्तानी जाके बोलते रहते हैं कि अफगानिस्तान को पैसा दो, क्योंकि उनको लगता है कि इनका बैंकिंग सिस्टम तो है नहीं, हमारे बैंक के थ्रू आएगा, इट विल कम थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर हबीब बैंक के थ्रू, तो कुछ हम वहां से यू नो देयर विल बी सम ओल्ड पाकिस्तानी ट्रिक्स ना, कि एक हाथ को नहीं पता लगना चाहिए दूसरा हाथ क्या कर रहा है, तो वो उन्होंने सिस्टम कर रखा। अच्छा वो मामला फेल हो गया क्योंकि कोई इनको पैसा नहीं दे रहा। अच्छा अफगान भी परेशान हो गए पाकिस्तान से, कह रहे हैं यार जब हम अपने लिए भीख नहीं मांग रहे तुम हमारे लिए भीख क्यों मांग रहे, ये बताओ। इन्होंने तालिबान को कंफ्यूज कर दिया है, आदत होनी चाहिए ना, तालिबान कहता है कि हमें नहीं चाहिए भीख किसी से, तालिबान कहता है हमें हम मैनेज कर लेंगे, तो पाकिस्तान ने बोला तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है मांगने की, हम मांगते हैं तुम्हारे लिए, तो वो परेशान हो गए तालिबान वाले, कई बार इनके मुंह पे बोल चुके हैं कि हमारा नाम लेके हमारा नाम इस्तेमाल करके हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, हमारे लिए भीख मत मांगो यार, तुम अपने लिए मांगो हमारे लिए मत मांगो, हमें नहीं है भीख की जरूरत। पाकिस्तान फिर भी इंसिस्ट करता है इनके लिए भीख मांगना, बिकॉज दे फील दैट इनका, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकता ना पाकिस्तान भीख मांगने के अलावा, तो उसको ऐसा लगता है कि भीख मांग के अगर कुछ पैसा मिल जाएगा तो द तालिबान विल बी ग्रेटफुल टू पाकिस्तान एंड दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस विद द तालिबान। भी खत्म हो गया सर इनका, तो बहुत बुरे जूते पड़े हैं इनको अफगानिस्तान से लेकर, खून ऐसा बह रहा है, 300 से ऊपर लोग मर गए सर इनके, 300 से एट एन एवरेज सर, एवरी हर सवा दिन डेढ़ दिन एक पाकिस्तानी शहरी मर रहा है, हर सवा दिन डेढ़ दिन एक पाकिस्तानी शहरी मर रहा है सर। और ये सब ये मार कौन रहा है सर, ये सेम अब्दाली के और दुर्रानी के ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन आके इनको ठोक रहे हैं सर। मुझे खास बात तो यह है कि पाकिस्तान का तो पुराना रिकॉर्ड है कि वो अपनी पूरी कैजुअलिटीज जो है वो बताता भी नहीं है। सर पाकिस्तान का एक इतना ब्रिलियंट आइडिया मैं आपको बताता हूँ कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे पाकिस्तान जिस तरीके से प्रॉब्लम के साथ डील करता है। पाकिस्तान ने पिछले 5 दिनों से या 7 दिनों से बलोचिस्तान में मीडिया ब्लैकआउट कर रखा है सर, इंटरनेट बंद कर रखा है। इंटरनेट क्यों बंद कर रखा है? इंटरनेट इसलिए बंद कर रखा है बलोचिस्तान में कि कहीं वीडियोस बाहर ना, आपने वो वीडियो देखा होगा सर कि उनके पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनल को थप्पड़ मार रहे हैं लोग, यू मस्ट हैव सीन दैट वीडियो सर। दे आर एक्चुअली द लोकल द स्लैपिंग पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल सेइंग गेट आउट यहां से, निकलो यहां से, उनको थप्पड़ मार मार के निकाल रहे हैं लोग, हथियार नहीं है, हथियार होते तो बलोच गोली मार देता हूं। तो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड इट्स वेरी डेंजरस। बट वही चीज है कि इमरान अपनी पॉलिटिक्स में लगा है, शहबाज शरीफ अपनी पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, इनका तो सिंपल साइड है, ज्यादा प्रॉब्लम है मीडिया बंद कर, ना किसी को पता लगेगा ना प्रॉब्लम होगी, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द प्रॉब्लम टू सॉल्व इटसेल्फ। ओल्ड पाकिस्तानी ट्रिक, सब मीडिया बंद कर दो, सोशल मीडिया बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो सर, वंस इन अ वाइल इंटरनेट बंद करो एक्सेप्टेबल, हमने भी बंद करा था 370-35 के बाद सर, वी ऑल्सो बिकॉज देयर वाज अ सीरियस थिंग, तभी हमारा क्रिटिसिज्म करते थे। हाँ अभी इन्होंने क्या करा कि एक महीने के लिए 144 लगा दिया सर बलोचिस्तान में, ग्वादर एरिया में ना, एक महीने के लिए 144 लगा दिया सर, 4-5 दिन के लिए, सीधा एक महीने के लिए,
धारा 144 नो गैदरिंग, क्योंकि वो हकदो तहरीक जो चल रही है ना वहाँ पे, जो फिशरमैन के लिए शुरू हुई थी और फिर और मामलों में वो फैल गई हकदो तहरीक, वो लोग इकट्ठा ना हो पाए अगेंस्ट असेंबली, पीपल हैव अ राइट टू असेंबली, इट्स अ पीसफुल असेंबली, इन्होंने वो हक भी इनसे छीन लिया है। ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग सर, दिस इज ये इन्होंने क्या करा सर, इवन इन बांग्लादेश ना, जो ईस्ट पाकिस्तान में वो काम पॉलिटिशियन करना सर, दे सेंड अ पॉलिटिशियन। अब ये मोटी बुद्धि है ना, लाहौरी जो है सर ये मोटी बुद्धि के लोग हैं, दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, दे सेंड जनरल टिक्का खान सर, सेंट एन आर्मी जनरल टू डू अ पॉलिटिशियंस जॉब, उसने ऑपरेशन सर्च लाइट 3 मिलियन बंगालीज को मार दिया, 1 मिलियन बंगाली वुमेन वर रेप, एंड देन यू नो बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये हर समय इनका ये है कि ये कोई भी जंग अपनी पॉपुलेशन के साथ कभी नहीं हारी सर, ये दे हैव वॉन ऑल द वॉर्स विच आर फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, आर्मी हैज वॉन ऑल वॉर्स फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। ये लगे हाथ में चाइना की भी बात कर लेते हैं जी बिल्कुल। चाइना जो पूरी दुनिया को ये कहता था कि साहब की हमारा मॉडल जो है वो बेस्ट है और हमारे मॉडल को आप एक्सेप्ट करो, यहाँ तक कि हमारे यहाँ एंडी मुखर्जी टाइप के लोग, सबा नकवी टाइप के लोग, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर कहते थे कि साहब भारत जो है वो उसको चाइनीज़ वैक्सीन यूज़ कर लेनी चाहिए। आज जो चाइना का जो डिवेस्टेशन हो रखा है, आपको क्या लगता है कि भारत को एक तरह से कोई वरदान मिल गया है कि साहब की दोनों फ्रंट पे जो उसके नेबर्स हैं वो ऐसी बुरी तरह से अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझ गए हैं कि अब हमारे लिए आगे कम से कम कुछ दिनों के लिए तो एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाइनीज जो वेबो उनका प्लेटफॉर्म है सर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबो, उसके ऊपर खरीद फरोख्त चल रही है इंडियन वैक्सीन की सर। द चाइनीज डोंट ट्रस्ट चाइनीज वैक्सीन सर, क्योंकि वो उन चाइनीज को भी पता है कि चाइना का माल क्या होता है, उनको जो चाइना वाला माल वाली थ्योरी है वो चाइनीज को भी पता लग गई कि हमारा माल तो है ही कूड़ा। तो नाउ दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू बाय इंडियन वैक्सीन ऑन द इंटरनेट के किसी तरीके से, इंडियन न्यूज आर्टिकल, तो इंडियन मैगजीन ऑन द इंटरनेट दे आर ट्राइंग टू यू नो बाय एंड से दैट कि हम इंडियन वैक्सीन लगाएंगे। तो एक तो ये चीज है सर। दूसरी चीज ब्रीदिंग स्पेस का, मुझे नहीं लगता कि ब्रीदिंग स्पेस का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। सो दिस सिचुएशन ऑन बोथ आर फ्रंट्स, ईस्ट एंड वेस्ट, इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। वी शुड टेक डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। चाइना के बहुत बुरे हाल है, चाइना झूठ बोले सर, ये दोनों चाइना पाकिस्तान झूठी बोलते हैं सर। पाकिस्तान में थोड़ा सा मीडिया फिर भी कहीं ना कहीं तो है, चाइना में तो बिल्कुल ब्लैकआउट रहता है। ये जो अमेरिका ने क्या बोला सर, आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग है कमेंट आया चाइना के बारे में, अमेरिकन्स का ये कमेंट आया, अमेरिकन सेड दैट भाई देखो साफ सीधी बात है, ये जो कह रहा है ना कि हम जो चाइना कह रहा है कि हम अपने लोगों को अलाउ करेंगे बाहर ट्रैवल करना 8th या 9th of January से, चाइनीज सिटीजंस विल बी अलाउड टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका कहता है कि लेट अस थिंक ऑफ अ प्लान हाउ टू ब्लॉक देम फ्रॉम कमिंग इनटू अमेरिका। और ऐसा अमेरिका क्यों सर, अमेरिका इसलिए कह रहा है क्योंकि उनका दे आर ऑन रिकॉर्ड अमेरिकन्स, आज कल का स्टेटमेंट है सर, येस्टरडे कल का स्टेटमेंट है, और उनका ये कहना है कि साहब यू पीपल आर नॉट ट्रांसपेरेंट, आप झूठ बोलते हो, आपके तो लोग मरे ही नहीं, किसी को कोविड है ही नहीं, हल्का फुल्का जुकाम है, इनके चक्कर में तो लाखों लोग मर गए सर, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इकोनॉमीज वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ चाइना, एंड अमेरिका इज नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क अगेन। तो अगर अमेरिका इनका बैन कर देता है, मेनी अदर कंट्रीज फॉलो सूट एंड स्टार्ट बैनिंग द एंट्री ऑफ चाइनीज सिटीजंस, वी शुड डू द सेम सर, वी शुड डू द सेम। ये चमगादड़ चमगादड़ खा के पता नहीं क्या, व्हाट डू दे ईट सर, क्या क्या खाते हैं लोग, एंड दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड सर, चाइनीज बहुत बुरा हाल है इनका। मैं आप सही कह रहे हैं, वैसे तो कम से कम RT-PCR टेस्ट तो कंपलसरी कर ही दिए, फ्लाइट्स भी रुक रही है वहाँ की, और बहुत सारे और देश भी जो है वो इनके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। सही बात है, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते, कैसे कैसे झूठ बोलते हैं कि एक तरफ तो लीक हो रही है 37 मिलियन इन्फेक्शन इन अ डे, इस तरह की बातें साफ साफ लीक हो रही है, दूसरी तरफ ये जो इनके पुट आउट करते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो 3,000 के करते हैं, जिस तरह से इनकी इकोनॉमी चलती है, जिस तरह से इनके इकोनॉमिक डेटा आते हैं, उसी तरह से इनके कोविड डेटा आते हैं। सब झोल है सर, सब झोल है इनका। चाइनीज फाउंड अ वेरी सिंपल थिंग, एक चाइनीज कोई डॉक्टर था, ही वाज इन चार्ज ऑफ सम प्लेटफॉर्म, जिसने बोला था कि मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड, उसको गायब कर दिया सर, उसकी फैमिली को गायब कर दिया, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब चाइना में कोविड नहीं है, क्योंकि जिसने बोला था कोविड है उसके परिवार को गायब कर दिया और उसको गायब कर दिया। आपको लगता है सर किम जोंग को आइडियाज कहां से आते हैं? ये किम जोंग जो करता है नॉर्थ कोरिया में, उसको आइडिया देने वाला कोई नहीं है, चाइनीज तो है सर, वो थोड़े से दे आर द रूरल वर्जन ऑफ चाइना, थोड़ा सा ना अनसोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ द चाइनीज, ये सब यही करते हैं सर। वो चाइनीज प्रोफेसर ने बोला कि ये गढ़वाल गायब कर दिया, उसके खानदान को गायब कर दिया, तीन इस तरफ के नेबर सर बिल्डिंग अपार्टमेंट में सबको गायब कर दिया, री एजुकेशन कैंप में, अब सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं डर के मारे, कह रहे चाइना जैसी कोई जगह नहीं है, कौन सा कोविड, वो तो जुकाम हो रखा है, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, कुछ है नहीं यहाँ पे। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, इनका नॉर्मल जुकाम है वो भी कोविड ही होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि चाइनीज का कोई भी डेटा सर, वेदर इकोनॉमिक, वेदर पॉलिटिकल, वेदर डिप्लोमेटिक, वेदर मेडिकल और एनी अदर थिंग, इट जस्ट कैनॉट बी ट्रस्टेड बिकॉज दे डोंट हैव द सिस्टम्स इन प्लेस। चाइनीज झूठ बोलेंगे अपना कवर अप करने के लिए, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
मैं आपको बताता हूँ छोटा सा एग्जांपल जो हमारे व्यूअर्स हैं सर, दे विल आल्सो अंडरस्टैंड इट विल बी इजी। हमारे गलवान में 20 भाई सर वीरगति को प्राप्त हुए विद इन 24 आवर्स इमीडिएटली सर मैसेज आ गया विद इन 24 आवर्स अखबार को तो प्रॉपर छप गए कि फलाना दिस थिंग कर्नल बाबू दिस दैट दिस नायब सूबेदार सूबेदार हवलदार यू नो नायक लांस नायक सिपाही के ये हैं ये आने वाले इनका ये नाम है 20 के नाम छप गए। चाइना ने एक साल के बाद बोला कि यू नो कि चार मारे गए, पहले तो एक साल तक तो को मारा ही नहीं था, फिर बोला चार मारे गए, फिर बाद में CIA की रिपोर्ट आई, स्पुटनिक की रिपोर्ट आई रशिया से और न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट आई कि नहीं 40 से ऊपर मर गए थे वहां। उन्होंने बोला थोड़ा सर वो साफ मुंह पे झूठ बोल देंगे, दे जस्ट लाई ऑन द फेस। तो कोविड डेटा ऑल्सो यू कांट ट्रस्ट चाइना का, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उनका डेटा सर। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो संजय संजय दीक्षित सर को जाके इनके चैनल को द जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंडियन चैनल ही हैं हमारे भाई हैं। अच्छा ये वीडियो मैंने इसलिए आपको दिखाई है कि इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी पता चली होंगी, इसमें चाइना की भी बात की है। मोस्टली हम ज़्यादातर बात करते हैं पाकिस्तानियों की, तो इसमें चाइना को भी थोड़ा सा रोस्ट किया है। बेसिकली मेरे को ये लगा है कि ये जो वीडियो बनाई है दीक्षित सर ने, ये रोस्टिंग के लिए ही बनाई है, मजे लेने के लिए, और फुल मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं। इन पे हंसना भी चाहिए पुरकियों पे, ठीक है, ये चाइनीज भी। देखो दुनिया में मैं जिन कंट्री पे ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है, वो एक चाइना है और एक पाकिस्तान है। चाइना पे भी मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन चाइना का मेरे को इतना, मैं चाइना के खिलाफ नहीं करता कि क्योंकि चाइना ना हमारे जो हो सकता है कि वो पीछे से सपोर्ट करता है, लेकिन वो डायरेक्टली हमारे में इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि हम चाइना चाइनीज को मार रहे हैं आतंकवाद में, ठीक है, एक दो चाइनीज यहाँ पे रेकी करते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने उन्होंने हमारा इतना नुकसान, यानी कि नुकसान तो करते ही रहते हैं चाइनीज, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। ये पोर्की है ना, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, और इनकी दूसरी वजह यह है कि इनकी लैंग्वेज हमें समझ आती है, इनको 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 ठोकना, हम इनको ठोकते हैं जुबान से, तो इसलिए इनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है रादर देन चाइना, क्योंकि चाइना में ना तो कोई और प्लेटफॉर्म है ना कुछ है, इंग्लिश उनको बोलनी नहीं आती। आपको पता होगा कि चाइना में सिर्फ 1% बंदों को इंग्लिश आती है, आप उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे, ठीक है। अगर उनका भी ऐसे कोई होता ना हमारे साथ इंग्लिश ही बोलते होते, तब भी हम ठोकते उनको, चाइनीज को भी यहाँ पे ला के उनके यूट्यूब चैनल पे होते तो उनको भी ठोकते, अब क्या कर सकते हैं। तो बस ये है कि चाइना के, हमने जो चाइना है उससे हमने सतर्क रहना है, ठीक है, चाइना को हमने इकोनॉमिकली तोड़ना है, और पाकिस्तानी को हमने फिजिकली जो जियोग्राफिकली तोड़ना है। तो ये मेरा सोच है, बाकी आप लोगों की जो सोच होगी वो बता देना। आपको ये वीडियो मैंने दिखाई है, आपको कैसी वीडियो लगी, आपके अपने विचार कैसे हैं, आपको किसी जो मेजर गौरवारी सर ने बात की है जहाँ दीक्षित सर ने जो बात की है उसमें आपको कुछ लगा है, आप उसके उसके ऊपर मेरे को कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को बता सकते हो कि सर ये बात अच्छी लगी, ये बात ऐसी होनी चाहिए, ये बात ऐसी होनी चाहिए। बाकी मेरे को ये लगा कि ये रोस्टिंग टाइप ही वीडियो थी, तो कुछ बातें मेरे को अच्छी, कुछ बातें क्या, मेरे को सारी बातें अच्छी लगती है, दीक्षित सर की भी अच्छी लगती हैं, मेजर गौरवारिया सर की, क्योंकि ये इंडिया के हित में सोचते हैं हमेशा, इनके पास कोई अमर की आशा वाला वो पंछी नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ गुस्सा आता है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं, नफरत है इंडियन से जो अमन की आशा उड़ाते हैं, लेकिन मेरे को गुस्सा आता है उन पे कि है तो क्योंकि इंडियन है इसलिए मैं नफरत नहीं करता, लेकिन गुस्सा आता है कि यार अमन की आशा वाले पंछी क्यों उड़ाने शुरू कर देते हो, जब हमें पता है 75 साल से हमारे 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 यहाँ पे गंद डाल रखा है, तो अब भी अमन की आशा वाला ये पंछी उड़ाना बनता नहीं है। तो मेरे को बहुत अच्छी वीडियो लगी, मैं एक रिक्वेस्ट है दीक्षित सर से, संजय दीक्षित सर से, कि सर ऐसे ही छोटी छोटी 15-20 मिनट की रोस्टिंग वीडियो टाइप लेके आया करो, ताकि मेरे जैसा हिंदुस्तानी भाई भी आप भी वीडियो, क्योंकि वीडियो होती है कई बार 50 मिनट की आपकी 1 घंटे की होती है, तो मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो फिर और लंबी हो जाती है क्योंकि मेरे को भी कुछ बोलना होता है। तो ये जो वीडियो बनाई मेरे को ये सबसे अच्छी लगी कि 15-20 मिनट की वीडियो में मैं भी कुछ 10 मिनट का अपना जो अपने विचार है वो भी मैं आपके साथ साझा कर सकूं, बता सकूं। तो बड़ा अच्छा है, ठोकते रहो, ऊपर से आते थे वो मुगल, ये मुगलों को वो बोलते हैं, तो उनके अब नाना परदादा, परदादे के दादा, दादे के नाना, अब वो अफगानिस्तान में है, वो इनको ठोक रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये पाकिस्तान एक बफर स्टेट है, जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, वेस्ट के लिए ये लीवरेज है इंडिया के ऊपर, और तो बाकी उनको, हमें तो फायदा ही है, ये बफर स्टेट बना के छोड़ दिया, फायदा भी है नुकसान भी हो गया,
फायदा ये हो गया कि अब वो जो अफगानिस्तान वाले हैं ठीक है वो इनको ठोक रहे हैं तो वो वहीं ठोकते रहेंगे, अब घबराओ मत, ये इंडिया को नहीं ठोकेंगे, अब देखते जाना। इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि जो अफगानिस्तानी अफगानिस्तान के भाई है ना, क्योंकि हमने उनमें एक ऐसी दिल में उनके प्यार रखा हुआ है कि वो चाह के भी नहीं कर पाएंगे इंडिया इंडिया के ऊपर हमला, अगर करेंगे तो जनता खिलाफ हो जाएगी, तो जो उनके तालिबान है जो गवर्नमेंट में अभी रिसेंटली, तो वो उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा ठीक है। तो इंडिया ने बहुत अच्छा प्ले किया है पिछले 10-20 साल से, जो हमने अफगानियों के दिल में जगह बनाई है ठीक है, तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे को कमेंट भी आया था कि वो तालिबान आ जाएगा तो वो यहाँ पे भी शरिया लाओ, भाई घबराने की जरूरत नहीं है, जब होगा फिर देखेंगे ठीक है, होगा नहीं ये, हाँ थोड़ी बहुत हमें हो सकता है, लेकिन मेरे को जो लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि तालिबान भी तालिबान को समझ आनी शुरू हो गया कि इंडिया फ्रेंड है और फो जो है वो पाकिस्तानी है, इन्होंने नुकसान किया, हमने कभी तालिबान का नुकसान नहीं किया, उनको अब पता चलना शुरू हो गया है। तो यहाँ तक की वीडियो आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो जो आपको मैंने दिखाई है वो भी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने नेशन भाई नेशन फर्स्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके सोल्जर बजो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। तो अपने भाई का हिंदुस्तान भाई का साथ दो, पाकिस्तानियों को मत सपोर्ट करो, यही मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है हर वीडियो में। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।